पंकज कर रहे हैं केक कटिंग, उठा ला या मत प्लीज मत समझेगा, वो सो रहा है तो सो रहा है। ये रहा केक एंड चलो, अरे देखो ना कैंडल्स भी तो जलानी होती है, दी है ना उन्होंने, मैं जलाऊं देखो, इसी यही में लगा था बैक सीरी का। ओके मैं ये देखो मेल्ट हो रहा है ना, मैंने आपको तभी बोला था कि इसको ना चलो जल्दी इतनी करो, कहा था इसके ओहो अच्छा ओके चलो, एक आप बुझा दो, नहीं आप बुझाओ ना, अरे बुझाओ ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, चलो इससे होता है, मैं पेन में दूंगी ना पहले आपको, रुक जाओ कोई बात नहीं, हमारे बेटा सोया हुआ है अभी, ये लो इतना सारा ऑसम बनाया सच में, बनाया तो अच्छा, वेट अच्छा ना, और पंकज ने मुझसे कोई गिफ्ट नहीं लिया है, चलो लव यू टू। ये देखो हमने कर लिया केक कटिंग, और मैं इनको मना कर रही हूँ दिव्यू को मत जगाओ, और ये जगाने वाले हैं, देखो वो जाग जाए हम बता रही हूँ पक्का। प्लीज अब मत जगाना, हट जाओ पंकज, प्लीज पंकज नहीं पंकज, वो जाग जाएगा, इनको समझ नहीं आ रहा कि वो जाग जाएगा, प्लीज अब मत जगाना उसको, सो प्लीज पंकज को मत जगाओ यार, मतलब नाइट में भी जगा, इनको ये नहीं पता कि अगर वो जाग गया तो वो कितनी प्रॉब्लम करेगा। ये वाला मैंने नाइट सूट जो पहना, मतलब ये नाइट सूट नहीं है एक्चुअली, ये वो है कॉट सेट, बट नाइट सूट की तरह इसको काम करती हूँ, तो मैं दिव्य के बर्थडे पे पहना था लास्ट ईयर और तब से अब पहना है, एंड बस केक कट हो गया है, और मैं थोड़ा केक खाने के बाद अब मैं सोने जा रही हूँ कि मेरे को बहुत नींद आ रही है, ठीक है हम्बे नहीं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कल अर्ली मॉर्निंग उठना है मेरे को, जाना है जिम, अर्ली मॉर्निंग उठना है मेरे को, जाना है जिम, सो अभी हम थोड़ा केक खाते हैं बस, अब हम लोग मिलते हैं वो कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। वो देखो ये लड़का जाग गया है, फिर मुझे मजबूरन ये सब देखना पड़ रहा है टीवी, बहुत 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 ज़्यादा, मतलब टाइम पता हूँ क्या हो रहा है यार, 1:10 हो गया, सोचो हाँ ये मतलब पंकज सो रहा है, मैं जाग रही हूँ और दिव्य जाग रहा है, पहले इसने केक खाया, फिर इसने पॉटी की, और फिर मम्मा की शिकर हो जल्दी, हाँ देखो मम्मा की शिकर हो, बता रहा है अपनी स्टोरी, बता रहा है कि मैंने क्या क्या किया है, पहले पोती थी, नहीं पहले तेत आया, फिर पोती थी, फिर अच्छा मम्मा किसी तो करके दिखाओ, किसी को पता ही नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू, और किसका बर्थडे आज, पापा तू, किसका बर्थडे, पापा का, पता है पापा का बर्थडे, अच्छा एक बताओ सुनो मम्मा किसी करके दिखाओ, ड्रामा देखो उसके ड्रामे नहीं खत्म होते, ड्रामे नहीं, मम्मा किसी कैसे करते, फिर मम्मा छोड़ के चले, मम्मा जा रही छोड़, ना देखो गाइस ये देखो कैसे बदतमीजी कर रहा है, देख रहे हो ना, देख रहे हो कितनी बदतमीजी कर रहा है, मम्मा जा रही छोड़ के, चलो मम्मा जा रही छोड़, मम्मा इसको छोड़ के जा रही है, और ठीक है ना, बाय जाए मम्मा, हाँ और ये पता नहीं कब तक सोएगा, अभी मैं पता नहीं कौन सा सीरियल वो देख रही हूँ, मैं सीरियल देखती नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ठीक है मजबूरी में देखनी पड़े यार, क्या बोल सकती हूँ, तो अब हम मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।
और हमारा बेटा पूरी रात जाके अब सो रहा है। होटल का एंजॉय यही लेता है। हाँ असली एंजॉय तो यही लेता है। हम तो केवल इसकी तरफ ध्यान रखेंगे। बस हाँ, और टाइम हुआ है 10। शुगर डाल दूँ ना? हाँ शुगर ले दो। तो हम लोगों ने हमारा भी है टी टाइम, मॉर्निंग टी टाइम। चाय लेके ब्रश करके फिर ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं। हाँ क्योंकि हमें चेकआउट करना है यहाँ से। एक एक करके चले, ये सो रहे हैं बहुत। नहीं कोई बात नहीं, चलते हैं, इसका पता चल जाएगा। वैसे भी गहरी नींद में सो रहा उठेगा नहीं, क्योंकि वैसे प्लानिंग तो है बाहर रुकने कहीं, बट ठीक है अब घर पे निकलते हैं। एक प्रॉपर्टी को एक ही दिन तक इंजॉय कर सकते सर नहीं। और हाँ इतनी एक्टिविटीज भी तो नहीं है। इसका वगैरह शायद अब मॉर्निंग में खुल जाएगा, ये बोल तो रहे थे, लेकिन इनके बंदे को इन्फेक्शन है, मैं वैसे ही नहीं करूँगा। अच्छा हाँ, इसको कुछ बीमारी हो, टेस्ट कराने गया, पता नहीं क्या जो भी है। तो अदरवाइज तो कल हमने छोटी छोटी मटकियाँ बनाई थी। थैंक यू। और हमने क्या चाय उनकी अच्छी, खाना भी अच्छा, चाय भी अच्छी, खाना भी अच्छा। और आपने चीज़ नहीं देखी, नोटिस नहीं की, फिर देखो रात हमारा बेटा खाना खा रहा था, चढ़ा यहाँ पे चेयर पे चढ़ा। अच्छा। चेयर पे चढ़ के खाना, और बहुत मेहनत से ज़्यादा वीडियो दिखाऊंगी। अच्छा दिखाऊंगी। की है मेरे ख्याल से शायद 2:30-3 बजे के आसपास की बात है। इतने में आपने देखा होगा वीडियो में, इतने मैनर्स के साथ, इतने मैनर्स के साथ खा रहा था ना वो माइक को पट। मैनर्स तो बहुत है, भर भर के मैनर्स है मेरी तरह इसके अंदर, बट अकेले भी निकलते हैं बहुत सारे अकेले। ठीक है देखो। ओ यार एक दिन और एक्सटेंड कर लेते कहीं पे। नहीं घर चलते कर। हाँ वैसे तो आज मेन बर्थडे है इनका। इसमें लाइटर कहीं इधर उधर किया मेरा पता नहीं, या आपकी नजर में हो? नहीं मुझे नहीं मालूम है। ये देखो मॉर्निंग का नजारा देखो, बहुत सुंदर है। गुड मॉर्निंग माय बॉय, उठ जाओ। अरे उठ गया तो बेटर है ना। अरे हंस रहा था बेटू। बेटा कितने मैनर्स के साथ खा रहे थे आप खाना? चलो रहने दो मैं उसको। बाहर नहीं हुआ, इसने नहीं किया टच बिल्कुल भी। ओ भाई गॉड बहुत गर्मी है, लेकिन ये देखो मॉर्निंग का नज़ारा। हमें ये वाला चाहिए था बट इनके पास था नहीं, वो पहले ही बुक हो चुका था। बट नज़ारा देखो, ओ भाई गॉड ऑसम। एंड ये रही सामने, मैं ऐसे दिखाऊंगी, ऐसे ऐसे। हाँ तो बस चाय पियेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि इनका जो ब्रेकफास्ट है ना वो किसमें, नहीं नहीं 10:30 तक है, और बुकिंग के अंदर ही है वो, इंक्लूडिंग है। तो उसकी टाइमिंग है। नहीं किया इसने, नहीं किया भाई, सच्ची नहीं किया। देखो वो उठने लगा, करता तो पता होता। चाय कौन सी दी आपने? राइट हैंड वाली। एंड ही रहा मेरा फेवरेट पार्ट, ये एरिया मेरा फेवरेट है। कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट करने चल रहा है ना। मैं जाऊंगा ब्रेकफास्ट करने, दिव्यु नहीं जाएगा। दिव्यु जाओगे ब्रेकफास्ट करने? ना। क्या चाहिए? अलग अलग डिशेस खाएंगे वहाँ पे डाडा के साथ, पिज्जा भी खाएंगे, चौमिन भी खाएंगे। जब ये रोता है तो पता है वीडियो नहीं बनवाता ये। एक सेकंड में चेक कर लूँ बाल के लिए। इसको इसको पता होता है कि मैं रो रहा हूँ तो ये वीडियो नहीं बनवाएगा, तब बोलेगा ना 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 ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैंने अपना स्किन केयर कर लिया, मॉर्निंग स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, एक एज के साथ समझ में आता है कितना इम्पोर्टेंट होता है। और बस शूज़ नहीं पहना है इसको, क्योंकि वैसे भी शूज़ पहनेगा नहीं, तो इसलिए
अभी उठने लगा क्योंकि इसकी बेबी है बाहर, सीरियसली इसकी बेबी आई हुई है, सच्ची इसकी बेबी है। एंड देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्या नजारा, इधर इधर भी बने, इधर भी ये थोड़ा ना दुबई वाला, हाँ दुबई और भानगढ़ वाला, ये मटके आपको हर जगह मिलेंगे। मैं एक जुमेरा बना हुआ है इसी थीम पे। ये देखो हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, और ये वही स्थान है जहाँ पे हमने, ये मुझे इनका बेस्ट स्पॉट लगा है, जहाँ पे हमने कल वो बनाया था छोटा मटका। हाँ गणेश जी बहुत पुराना है। हाँ लग रहा है इन्होंने क्या किया, दो बहुत पुराने पेड़ हैं जिसको कंजर्व किया है, ये भी तो बहुत पुराने पेड़। हाँ और ये पार्ट भी अच्छा लग रहा है इनका। बस अब पहुँच गया इनका। ये देखो मैं तो थक गई भाई साहब, दिव्य मैं तो थक गई भाई साहब। ये है इनकी जिम, नाइट में जब मैं आई थी ना तो उतना नज़र नहीं आ रहा होगा, बट ये इनका जिम पार्ट है, ये वाला। एंड चाय की टपरी अभी इनकी नहीं लग रही है। ये इनका मॉर्निंग टी, चलो ट्राई कर सकते हो। Apart from that is, we do have a live counter also. If you want to order some dosa, paratha, omelet, paratha, paratha, we'll see the paratha. हाँ आलू पराठा ट्राई कर सकते हो। ये देखो ब्रेड खाओगे आप, इनके पास काफ़ी ऑप्शन है। ये अभी डैडू लेकर आएंगे, हम भी दिव्यू के लिए अलग से बनवाएंगे ऐसे चेयर है। दिव्यू आराम से खाना बिल्कुल। मैंने मंगवाया ये सब हेल्दी, ऐसा नहीं मैं टाइम टाइम ना हेल्दी पन छोड़ती रहती हूँ। आधी पे बैठा हुआ है, चिप्स वाले जूस लिया था, पंकज अपने लिए ले रहे हैं। मैंने सबसे पहले मंगवाया था वाटर, उसके बाद ऐसा नहीं मेरी डाइट ना हमेशा बीच बीच में ना ख़राब होती रहती, अगर 7 डेज है तो 7 डेज में शायद मैं एक दिन डाइट ले जाती हूँ, 6 डेज में नहीं रहती। यही है मेरा है रिव्यू, और वैसे ही सो रहा था दिव्य। अरे अच्छा क्या चाहिए, इसमें से कुछ चाहिए आपको? नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग जाएंगे क्योंकि आदित्य की प्लानिंग नहीं है, आदित्य आएगा ज़रूर आएगा। क्या चाहिए, ये चाहिए, फिर क्या चाहिए, पराठा खाओगे, पराठा कुछ कुछ चाहिए, जूस चाहिए टेस्टी है, मतलब ब्रेकफास्ट में टेस्टी है, उनका लंच डिनर वगैरह में टेस्टी था। और क्या चाहिए, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा होता है। देवी ने अपनी प्लेट छोड़ दिया, एक करा लो प्लीज। तो हम लोगों ने कर लिया ब्रेकफास्ट एंड दिव्यू के लिए पराठा पैक कराया हमने, और अच्छे बंदे कर दिया हमने, बुफे का पूर्ण उपयोग किया है और अच्छा है, टेस्टी है, पता है सब कुछ। एक्चुअली बच्चे के साथ थोड़ा रहता है, जो पेरेंट्स वो समझ सकते हैं, छोटे बच्चे के साथ बाहर का अवॉइड ही करना चाहिए। हम मतलब अब तो हम अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि ना से ना के बराबर ही हो, और बस वैसे हमारे यहाँ से ये रिजॉर्ट पास में ही है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है, बट हमें बीच में शॉपिंग पे भी जाना है तो इसलिए हमने भी पराठा पैक करा लिया है, और ताकि इसको खा लेगा इसको भूख लगेगी। एंड ये क्या तू मिला दिव्यू, हमें भानगढ़ जाना चाहिए एक बार, पता है राजस्थान जयपुर, इसका यही तांडव होता है, बाहर जाना होता है। वैसे इसको बाहर नहीं रहता पर अभी बाहर जाना, चलो मैं लेके चलूं, मैं लेके चलूं, चलो चलो आओ कपड़े चेंज करा दूं। ब्रेकफास्ट हुआ डन, अभी हम लोग फिर नहाकर कहाँ चलना है, हम लोग जाएंगे DLF मॉल बाहर, क्या शाम को शाम बाहर जाके करोगे क्या, पूजा वगैरह आ रही है, मतलब सिस्टर भाभी भाई सब आ रहे हैं, बाहर जाके करोगे क्या, तितली छोटी सी है इतनी सी बस। पता क्या, मैं
बस मैं ऐसे ही रिलैक्स करती रहूँ, मजे मजे, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मजे मजे, दिव्या भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, मजे मजे। एंड बस वेकेशन की बात ही अलग होती है, वो तो हमने वनडे ही की है और घर के पास। बट हाँ हाँ पता है घर के पास, बेबी घर के पास भी अच्छा है, अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। जब तक आगे एक्सप्लोर नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। बट हाँ हमारे घर के आसपास तो दिल्ली से हम बहुत सारी जगह हैं। देखो क्या कई बार क्या होता है ना, आप दूर नहीं जा पाते, उतना टाइम लग जाता है ट्रैवल करने में, 7-8 घंटे मिनिमम लगते हैं। जैसे हमने पहले सोचा था, मैंने आने से एक नाइट पहले ना बहुत सारी सर्च की थी कि मतलब परवानू करके कुछ एक जगह है चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़ की साइड में, जो वो नहीं है जो ऊपर चढ़ के बाई रोप वे कुछ ऐसे करके जाते हैं, वहाँ पर भी मैंने फिर नहीं, हाँ नैनीताल, हाँ नैनीताल साइड में भी बहुत सारे। लेकिन 7-8 घंटे का सफ़र करके आप सिर्फ 1-2 दिन के लिए जा रहे हो, तो यार नो नेवर। तो बेटर है कि आप आसपास एक्सप्लोर कर लो, टाइम भी बच जाता है। एंड दिव्य को लगा दिया फ़ोन में, वैसे बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए बट क्या कर सकते हैं। एंड अब हम लोग को मिलते हैं रेडियो गर्ल। आपको रेडियो के मिलती, बट मैंने ध्यान बहुत ध्यान से देखा, मेरी आइस कितनी सुंदर है, ओ माय गॉड, ब्लैक कलर की नहीं, ब्राउन है, कितनी सुंदर आइस है भाई, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी सुंदर आइस है मेरी। देखो प्यारी आइस है मेरी, ऑसम, ये भी गुण है मेरे पास, मेरे को पता ही नहीं था। और मेरा बेटा लगा हुआ है मोबाइल में, क्या होगा इस जेन जी वाली जनरेशन के बाद की, ये कौन सी होगी फिर, 2000 वाली जेन जी है तो ये कौन सी होगी, डबल जेन जी। हम लोग फिर भी बेटर हैं उनसे, ये लोग बहुत। चलो अब मैं मिलती हूँ आपको रेडियो के, वीडियो बना रही हूँ, नहीं बनानी, और इसको देखो, इसको देखो, देखो मेरा टंग क्लीनर लेके बैठा हुआ है लड़का, देखो जिसके घर में इतने शैतान बच्चे, वो कैसे कुछ कर सकता है। चलो कोई नहीं, वो बाद में बता दूंगी मैं आपको, देखो देखा, टिंग 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 टिंग। तो अब मैं अपने वीडियो शूट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो गया, जब जा रहे हैं हम लोग, और दिव्य यहाँ बिजी चल रहा है, ऑलमोस्ट हमारा सामान सारा पैक हो गया है, बस ये सब रखना, पंकज भी रेडी है, बस शर्ट टी शर्ट जो भी पहनी वो पहनी है, एंड मैं तो रेडी हूँ। ये देखो मैं रेडी हूँ, ब्लैक कलर इज माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट कलर, आई लव ब्लैक कलर। बस पर्स लूँगी मैं अपना, एंड अब हम लोग जाएंगे DLF मॉल, एंड जी फिर हम कर देंगे बाय बाय रूम। दिव्यू दिव्यू बाय बाय, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, क्योंकि नीचे कार्ड वगैरह भी आ गया, तो मैं जो भी 1-2 सामान है वो रखती हूँ, फिर मैं आपसे कह रहा है पापा आप चलाओ जैसे मैं चला रहा था। देखो मम्मा चलाए, चलो देखो 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 देखो। एंड बस हम लोग बस लास्ट मिनट है, बस कुछ कुछ सेकंड्स जा रही हैं हम लोग के। तो वो मिल जाएगा लोशन, हाँ मिल जाएगा। देखो यार बेबी मैं देखी, देखो वो चप्पल ही सब निकाल दी इसने यार, मैं देती हूँ जा रही हैं। हाँ ये देखो बस निकल गए हम लोग, चलो बाय बाय करो। देखो इसकी अच्छा, इसको वॉच नहीं पहनाई मैंने, चलो एक ही काम करते खरीद लेते हैं एक ऐसी हैबिट तो, और पूरे सोसाइटी में घुमा करना आप। बस हम लोग निकल रहे हैं। दिव्यो दिव्यो मामा दिव्यो वीडियो देखो, सबसे ज्यादा मजे आ रहे हैं यहाँ पे घूमने में। देखो मेरी गाड़ी तो मेरा ड्राइव करने का फर्ज बनता है, लेकिन नहीं चलो बात देखो ठीक। देख कैसे रिएक्ट कर रहे, सब फेक रिएक्ट नहीं करते लोग। नहीं नहीं पीछे 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 पीछे, नहीं नहीं पीछे हो जा, पीछे हो जा बिल्कुल।
ये ऐसे पता है कैसे रिएक्ट करता, ऐसे वाओ जब फेक रिएक्ट नहीं करते काफी लोग। अभी क्या हुआ, जैसे गाड़ी आई ना तो इसने सच में ऐसे रिएक्शन दिया, ऐसे वाओ। बेटू कैसे रिएक्शन दिया था आपने? अच्छा आपने सब्सक्राइबर्स को बताओ वाओ। अच्छा एक्सपीरियंस था। सो एंड में क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप एक दिन के लिए आप आ रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको आना चाहिए, प्रॉपर्टी अच्छी है नो डाउट, और फूड वगैरह भी यहाँ का अच्छा है, और यहाँ का एटमोसफियर भी अच्छा है, सर्विसेज भी अच्छी हैं, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के, ज़्यादातर लोग इन्होंने लोकल के रखे हुए हैं बट सारे अच्छे हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना, मतलब एक बार विजिट करना चाहिए अगर आप देख रहे हैं वनडे के लिए भी, बट टू डेज भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं आस पास एक्सप्लोर कर सकते हो, गुड़गांव वगैरह है काफ़ी, गुड़गांव बहुत अच्छे मॉल है, हम लोग तो सोच रहे थे, हमारे तो घर के पास ही है वैसे, नोएडा से कितना दूर है गुड़गांव, तो हम लोग सोच भी रहे थे बट सोचा कि नहीं डीएलएफ जाना है क्योंकि आज बर्थडे है तो कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है एंड फैमिली भी आ रही है। तो मेरे इन लॉन्स वगैरह का ये हुआ कि उनकी ना जो मेन लॉन्स है, इन लॉन्स के जो मेन लॉन्स है तो उनके साथ जो मम्मी वगैरह हैं वो अकेली आ नहीं सकती हैं, एंड जो सिस्टर्स वगैरह हैं पंकज की, उनके साथ ये इशू हुआ कि उनके बच्चों के एग्जाम है तो उनके साथ ना बन ही नहीं पाया हमारा, बट ठीक है नेक्स्ट टाइम को भी प्लान करेंगे पूरी फैमिली के साथ। और बस मेरे भाई वगैरह आ रहे हैं, भाभी वगैरह, क्योंकि उनके बच्चों के एग्जाम नहीं है, देव का है, देव एग्जाम देकर ही आएगा, 12 बजे उसका खत्म होगा तो 12 बजे वो निकलेंगे। कैसा आई बच्चा? पापा पापा ड्राइव मुझे करनी थी लेकिन पंकज मुझे ड्राइव नहीं करने दे रहा, कोई बात नहीं, यहाँ का सिस्टम अच्छा है वैसे, और आपको फील ही नहीं होगा कि आप NCR में हो क्योंकि आसपास सारा ना पहाड़ी एरिया, मतलब अरावली है, पूरा हिल्स है अरावली, तो आपको फील नहीं होगा कि किसी उसमें आप, वैसे विंटर में ज़्यादा अच्छा है या फिर बारिश के टाइम पे बहुत सुंदर होगा यहाँ पर, तो हम लोग कभी बाद में आएंगे। एंड वार से ये है इसका, आप फोटोज में देखोगे ना तो आपको बड़ा नया लगता है लेकिन बहुत काफ़ी 7-8 साल हो गए इसको बने हुए, हो सकता है इससे भी पुराना हो, बट यहाँ जो हमने पूछा था वो 7-8 साल बता रहे हैं। मुझे एंड टाइम पे याद आया कि जो हमने कल वो बनाए थे ना, छोटे छोटे मटके बनाए थे, सुराही मटके, वो पंकज ने भी मॉर्निंग में धूप में रख दिए थे तो वो रह गए, और हमने सोचा कि हम लेकर जाएंगे, तभी मैंने फ़ोन कर दिया वैसे उनको, तो रूम से मंगवाएंगे एंड उन्हें हम लेकर जाएंगे। बाय बाय। हाँ क्या बोल दिया? हाँ यार पता है, अरे भूल गई थी मैं, अभी याद आया मुझे एंड टाइम पे बिल्कुल। चलो ठीक है, इसने शूज कहाँ गिरा दिया, ड्राइव पंकज करेंगे ना, बिस्कुट खा रहा है, पता नहीं कहाँ से निकाला है, दिखाओ। शेड कहाँ है आपके? शेड वहीं रखे थे, मैंने अंदर ही रख दिए थे, निकाले कहाँ से? आपने लगा तो रखे थे? नहीं लगाए नहीं थे, दोनों में से कोई नहीं लगाए थे, लगा रहा था प्राडा के, फिर मैंने रख दिए थे बॉक्स में, बट प्राडा के तो याद है दूसरे वाले। बाय बाय करना, बाय कर रहे हैं। वैसे ये आगे तक, बहुत आगे तक रास्ता जाता हुआ, क्योंकि आगे ज्यादा भी आगे तक नहीं जाता हुआ। ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, हनुमान जी का मौजी धाम है ये, मौजी धाम, ये देखो इधर कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा, मौजी धाम है ये, तो यहाँ से लेक कर, लेक के लिए पैदल जाते हैं, मतलब उन्होंने बताया हमें रास्ता, और इसे थोड़ा सा आगे जाके मेन रोड आ जाएगी।